ये वेजिटेबल, ये चाय और ये रोटी और ये रखो यूसुफ। खा लो जरा, सॉरी ना जरा शहरी में सुंदरी, खा लो जल्दी। अडाश इज अ मशीन। क्या बोल रहे हो? सुबह के 6 हो रहे हैं अभी और यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, एग्जाम्स की तैयारी। पढ़ लो सुनो, ये बच्चे को मैंने उठा कर बिठाया है। जरा पढ़ रही, सॉरी जरा पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, होगा आज लास्ट एग्जाम है इंशाल्लाह। मेरा लास्ट एग्जाम, लेकिन फिर भी जहरा को फ्राइडे रखा है। जहरा को फ्राइडे को एक है, यूसुफ को डिक्टेशन, जैनब को रीडिंग। कैसा था जेनू का एग्जाम? तो हम लोग अभी स्कूल से आ गए हैं, ये देखिए आज पेट का दर्द था, फिर भी स्कूल को जाए, क्लास से बाहर नहीं आए जेनू। नहीं, और अब से कोई भी पेट का दर्द नहीं होता इंशाल्लाह। ओके, तो जरा कैसा था एग्जाम? जरा इजी था, बट वेरी लेंथी। लेंथी हो, बहुत लेंथी था। सो बेस्ट ट्रिक इन नाउ, माशाल्लाह मेरे बच्चे मुझे हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे मकरोनी बनाने में, क्योंकि आज ज़रा ज़ैनब की फरमाइश थी कि उन्हें मकरोनी चाहिए, और यहाँ मैं बना रही हूँ मकरोनी। वही अदरक लहसुन का मसाला, तेल, प्याज, टमाटर, कोरिएंडर, धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक सजा के, और स्प्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं मेरे बच्चे मुझे यहाँ पे। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रा गुड कर, हो गया। हाँ, फिनिश कर को, कल के एग्जाम का पढ़ लो, कल लास्ट एग्जाम ही नहीं। हाँ, ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और ये देखिए मैंने इसमें ना चिकन पीसेस भी डाले हैं, कुछ चिकन पीसेस, छोटे छोटे चिकन पीसेस थे, तो चिकन पीसेस भी डाल दिया मैंने इसमें, चिकन मैक्रोनी में। फिर वो बच्चों के लिए मैंने बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा काम दे दिया यहाँ पे, क्योंकि बच्चे टोमेटो सेपरेट कर दिया है इसमें से। वेरी गुड जी, नो थैंक यू। सुनो देखो बाल, देखो सुबह में स्कूल को कैसे बाल वही सेच पड़ी अभी। जैन अभी टोमेटो सेपरेट कर दिए, नहीं अभी अनियन क्या करो, यहाँ पे अनियन की कुटी लो, बास्केट में पूरा अनियन उसमें डालो, एंड पोटैटो फ्रिज में रखो पूरा चीज़ों को ले लो। तो यहाँ पे मकरोनी के साथ मैं बच्चों को देने वाली हूँ आज लेग पीसेस चिकन के, चिकन के लेग पीसेस ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का मसाला, एक हाफ टी स्पून मिर्ची, हल्दी, नमक जो काली हो चुकी है सोया सॉस डालने से, कॉर्नफ्लोर एंड धनिया का पाउडर। अभी मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देती हूँ थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए। देखो ये देखो माशाल्लाह, देखो किंडर जॉय जा कई को बार इतने लाए हैं, किसे किसे ये 3-6। अच्छा ये तीन हुआ आप ही के, तीन को माशाल्लाह उठा लो बेटा, तुम्हारे तीन उठा लो, है यूसुफ के पास है। फाइनली फाइनली मिल गया रोबोट ये बार। हाँ, ये ज़ैनब को मिला था लास्ट टाइम में, ये भी ज़ैनब को मिल गया, ये भी ज़ैनब को मिला। ओ मैग्नीफाइंग ग्लास मॉम्स, ज़्यादा ज़ैनब क्या मिलता नहीं। अस्सलामुअलैकुम, ये देखिए 2 hours मैंने चिकन को फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख दिया था, तो ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया था। तो इसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से इसको पैक कर रही हूँ, ये देखिए। और मुझे इसको ज़्यादा तलना है क्योंकि बच्चों को क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत पसंद आता है। और ये देखिए यहाँ पर ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, और यहाँ हो रही है तैयारी इफ्तारी की। और सब फ्रूट्स मैंने काट के रख दिए थे, और यूसुफ यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे अरेंज कर रहा था बच्चा, क्योंकि ज़हरा की तबीयत ठीक नहीं थी, ज़हरा आज बहुत सुस्त थी इसलिए बच्ची आराम कर रही थी, और ज़ैनब बाहर खेल रही थी बच्ची, तो यूसुफ अकेले ही मुझे मदद कर रहा था आज बच्चा। तो यहाँ पर सब चीज़ें उसने अरेंज कर ली थी, ये देखिए ये मालाज शरबत है सब्ज़ी की बींज के साथ,
मालाज बहुत टेस्टी रहता है, एक बार ट्राई कीजिए। और यहाँ पे अब्बा ने लाए थे अंडे के पफ्स और समोसे, बनाना, डेट्स, पास्ता और चिकन, पपाया एंड तरबूज। ये मैंने ज़्यादा तला था क्योंकि बच्चों को बहुत क्रिस्पी चाहिए था इसलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह सब लोग ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो देखिए अभी इफ्तारी का टाइम हो गया था, इफ्तारी हो गई और सब क्लीनिंग भी हो गई है और नेक्स्ट अभी जा रहे हैं, अजान भी हो गई है, अभी नमाज़ के लिए टाइम हो रहा है, तरावी की नमाज़। और नीचे इतना शोर है मैं क्या बोलूँ, क्योंकि सब बच्चे वहाँ पर नीचे खेल रहे हैं, यहाँ तक कि ज़ारा ज़ैनब भी आज रेडी होकर जाके नीचे खेल रहे हैं। तो यूसुफ भी नीचे है, ज़ारा भी नीचे है, ज़ैनब भी नीचे है, तो मैं ऐसे ही जाके नीचे से बच्चों को लेके जाऊँगी। तो इंशाल्लाह तरावी के लिए निकल रहे हैं। बहुत आवाज़ है, अल्लाह हाफिज़। देखिए नीचे इतना शोर है, देखते नीचे, देखिए बच्चे खेल रहे हैं। ज़ारा ज़ैनब स्कार्फ ही पहन के नहीं आ रही है, बच्चे फिर से उसको ऊपर जा मैंने स्कार्फ पहनने के लिए देखो। चलो इधर कुर्सी पढ़ो, इधर कुर्सी पढ़ो, तीनों भी ये ऑलमोस्ट हम करीब नहीं है, यहाँ पर मस्जिद के करीब में। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मुकम्मल हो गई थी और यहाँ पे बयान चल रहा था अभी, तभी देखिए ये बच्चा एक पता नहीं कहीं से आके पीछे से आके मेरे गोद में सो गया था ये बच्चा। तो ज़ारा भी वही दिख रही थी और माशाल्लाह बिल्कुल रोता नहीं है बच्चा, ये अच्छी तरीके से अच्छा मिलजुल के रहता सबके साथ, सबको हंसा रहा था, सबसे मिलजुल रहा था। ये देखिए कितना खुश है ये, बड़ा क्यूट सा बच्चा था। वहाँ जैनू आज यूसुफ भैया की जर्किन पे लेने, ठंड हो रही है फुल करके, देखो यहाँ पर बहुत ठंड है, इसलिए भाई ने अपनी बहन को जर्किन करके दे दी। ये एक माशाल्लाह क्या बोल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, अपनी जर्किन करके बच्ची को पहना दिया ये बच्चा। क्या जैनू है देखो सही, कुत्ते हमला देखो भाग गए, जैन सामने देखो, चलो जैन पीछे से गाड़ी आ रही एकदम मुंह, चलो मॉम है लाइट डाल रही हूँ वीडियो पर साइड से, हेलो हेलो भैया आपको फॉलो करो, मैं आप लोगों के पीछे आ रही हूँ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गया, साइड में आ जाए, कहाँ
रही ना जेनो एकदम। हल्लो 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 जल्दी चलो 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 चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए फाइनली। पता नहीं हमेशा हम कुत्तों को देख के डरते थे, आज कुत्ते हमें देख के भाग गए थे पता नहीं क्यों। ओके तो आज का सबक क्या था यूसुफ? तो चलो अभी जल्दी जल्दी खाना कुछ खा लेको, जल्दी जल्दी पास्ता नहीं खाई नहीं तो पास्ता भी खा लेको, सो जाओ करते। चलो सिर्फ जारा का एग्जाम है कल सोशल का, जारा जल्दी आओ। चलो जेनू चलिए जल्दी चलो सो जाओ।